सौरियां ऐसी खड़ी निकल रही हैं, आपकी दुष्ट आत्मा ऐसी खड़ी निकल रही हैं, आपके जीवन में इसी खड़ी पवित्र आत्मा का अभिषेक आ रहा है, इसी खड़ी अभिषेक, इसी खड़ी चुकाई आ रही है, इसी खड़ी छुटकारा आ रहा है। दुष्ट आत्मा की ताकतें आपके घर से नाश हो रही हैं, पांव से लेकर सिर तक चुंगाई आ रही है, आपकी आंखें की बीमारियां इसी वक्त निकल रही हैं, आपके कान इसी वक्त खुल रहे हैं, सब यीशु मसीह आपको इसी खड़ी जगह पर रहा है। हालेलुया। स्वयं हम एक वचन देखते हैं, लुका 7 अध्याय उसका 21 और 22 वचन हम लोग पढ़ेंगे। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुतों को प्रभु यीशु मसीह ने बीमारियों से, पीड़ाओं से और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, और बहुत से अंधों को आंखें दी। उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जगाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, बहुतों को बीमारियों, पीड़ाओं, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, बीमारियों, पीड़ाओं और दुष्ट आत्मा से छुड़ाया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। लेकिन जो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं उस पर आप देखिएगा, उसी घड़ी क्या लिखा है, 21 वचन, उसी घड़ी प्रभु यीशु ने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया। उसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को बीमारियों से, पीड़ाओं से, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया। हालेलुया। उसी घड़ी बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों की आंखें दी। हालेलुया। हालेलुया। उसी घड़ी। सो परमेश्वर के लोगों, अगर आप में कोई बीमार है, अगर आपके कोई पीड़ा है, अगर कोई दुष्ट आत्मा है, लोग पूछते हैं हम कब चंगे होंगे, जब पहली बार आते हैं, क्या हमें दो एतवार आना पड़ेगा, 7 बार आना पड़ेगा? लोग पूछते हैं कितना पैसा लगेगा, कितने दिन में चंगाई मिलेगी, चंगाई कैसे पाएंगे, क्या पैदल चलना पड़ेगा नंगे पांव, कई मुर्गी देनी पड़ेगी या कुछ सामग्री देनी पड़ेगी पूजा पाठ के लिए, कितनी चौकियां भरनी पड़ेंगी, क्या इसके लिए धर्म बदलना पड़ेगा, है ना, हमारी तो बीमारी बहुत बड़ी है, 2-4 महीने तो लगेंगे ही, धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसा आपका प्रश्न हो सकता है। लेकिन यहां क्या लिखा है, उसी घड़ी बहुतों को बीमारियों से छुड़ाया, उसी घड़ी बहुतों को पीड़ाओं से छुड़ाया, उसी घड़ी बहुतों को दुष्ट आत्मा से छुड़ाया, उसी घड़ी बहुतों को अंधों को आंखें दी, उसी घड़ी लंगड़े चलते फिरने लगे, उसी घड़ी कोढ़ी शुद्ध किए गए, उसी घड़ी बहरे सुनने लगे, उसी घड़ी मुर्दे जलाए गए। हालेलुया। हालेलुया। उसी घड़ी और वो घड़ी आपके लिए अभी है। हालेलुया। 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 वो घड़ी अभी आपके लिए है और अभी हम लोग प्रार्थना करते हैं और इसी घड़ी बहुत बीमारियों, पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाए जाएंगे। हालेलुया। बहुतों की आंखें खोली जाएंगी इसी घड़ी। हालेलुया। सो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, इसी घड़ी आप पवित्र आत्मा का पाएंगे अभिषेक,
इसी घड़ी आप अन्य अन्य भाषा बोलने लगेंगे, इसी घड़ी आप वरदानों से भर जाएंगे, इसी घड़ी बीमारियों से चंगाई पाएंगे, इसी घड़ी पीड़ाओं से जो दर्दे हैं पीड़ाओं से आप छुटकारा पाएंगे, इसी घड़ी दुष्टात्मा से छुटकारा पाएंगे, इसी घड़ी आपकी आंखें खुल जाएंगी, इसी घड़ी आपके कानों की बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपके बहरे कान खुल जाएंगे, इसी घड़ी कोड़ी शुद्ध किए जाएंगे, एलर्जी की बीमारियां निकलेंगी, इसी घड़ी गांठें निकलेंगी, इसी घड़ी दर्दें जाएंगी, इसी घड़ी किडनियां जो है ठीक हो जाएंगी, इसी घड़ी पांव से लेकर सिर तक की हर एक बीमारी दूर हो जाएगी। हालेलुया, इसी घड़ी। तो आप तैयार हो जाएं प्रार्थना के लिए, तैयार हो जाएं प्रभु के चरणों में, इसी घड़ी, इसी घड़ी, इसी घड़ी, देर नहीं लगी। लिखा है उसी घड़ी पर भी यीशु ने यह काम कर दिया और इसी घड़ी पर भी यीशु मसीह यह काम करेंगे। हालेलुया, इसी घड़ी आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम करेंगे, इसी घड़ी आपकी पीड़ा, इसी घड़ी आपकी बीमारी, इसी घड़ी आपके दुष्ट आत्मा, सारे बंधन इसी घड़ी टूटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये आराधना करते करते ही आपके आंखें की बीमारी दूर होगी, आपकी गांठें निकलेंगी, आपके कान जो बंद है वो खुलेंगे, पांव से सिर तक जितनी भी बीमारियां हैं प्रभु यीशु मसीह उन्हें बाहर निकालेंगे, आपकी हरेक बीमारी से प्रभु यीशु अभी चंगा करेंगे, अभी और इसी वक्त, इसी घड़ी। हम जाते ने तूफान जदो यीशु बोलदा, हम जाते ने तूफान जदो यीशु बोलदा, भज जाता है शैतान 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 जदो दुष्ट आत्मा को आग लग जाए, शैतान जदो यीशु बोलदा, भज जाता है 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 शैतान जदो यीशु, पर भी यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को आग लग जाए, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को आग लग जाए, भज जाता है शैतान जदो यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा 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 यीशु बोलदा, हम जाते ने तूफान जदो यीशु बोलदा, हम जाते ने तूफान मेरा यीशु बोलदा, हम जाते ने तूफान जदो यीशु बोलदा, हम जाते ने तूफान जदो यीशु बोलदा, आपकी बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से भी निकल रही है, हर एक बीमारी इसी घड़ी निकल रही है, आपकी रसोईयां इसी घड़ी निकल रही हैं, आपकी दुष्ट आत्मा इसी घड़ी निकल रही है, आपके जीवन में इसी घड़ी पवित्र आत्मा का अभिषेक आ रहा है, इसी घड़ी अभिषेक, इसी घड़ी चंगाई आ रही है, इसी घड़ी छुटकारा आ रहा है, दुष्ट आत्मा की ताकतें आपके घर से नाश हो रही हैं, पांव से लेकर सिर तक चंगाई आ रही है, आपकी आंखें की बीमारियां इसी वक्त से निकल रही हैं, आपके कान इसी वक्त खुल रहे हैं, अब यीशु मसीह आपको इसी घड़ी चंगा कर रहा है। और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए,
और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए। अपनी कुवत में आए, अपने जालों में आ, अपनी कुवत में आए, अपनी कुदरत में आ, अपने जोरों जलालों जलालों में आ, तेरे रू का मजा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें और। बीमारियां निकल रही हैं प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त, आपकी बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से निकल रही हैं, हर एक बंधन प्रभु यीशु के नाम से टूट रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से बंधन टूट रहे हैं, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें। और आत्मा में भरकर प्रार्थना कीजिए, और आत्मा में प्रभु यीशु के नाम से अभिषेक को मांगते हैं, प्रभु यीशु के नाम से सामर्थ को मांगते हैं, प्रभु यीशु के नाम से सामर्थ को मांगते हैं। ओ बिंदिया तमाला जो दो मिल दी न जाते, 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 बिंदिया तमाला जो दो मिल दी। ओ यीशु दे लहू दे विच बड़ी करमा दे, 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 बिंदिया तमाला हालेलुया, ओ बाला 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 बाला
इसी वक्त इनकी आंखों की बीमारियां दूर हो जा प्रभु यीशु के नाम से। जो तुम आप अपना आंखों से हाथ हटा सकते हैं और देखिए अपनी आंखों से हाथ हटा लीजिए और देखिए कि आपको दिखाई दे रहा है। प्रभु यीशु ने आपको चंगा किया है, प्रभु यीशु ने आपकी आंखों को ठीक किया है, इसलिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हुए गाएं। थोड़ी देर बाद हम लोग आपकी गवाही को सुनेंगे क्योंकि प्रभु यीशु ने आपकी आंखों को खोला है। और अब मैं प्रार्थना उनके लिए करना चाहता हूं जिनके रसौलियां हैं, जहां गांठ है, कोई भी रसौली है, जहां गांठ है, पांव से सिर तक कोई भी गांठ है, चाहे बच्चेदानी में गांठ है, रसौली है, ट्यूमर है, हर एक ट्यूमर प्रभु यीशु के नाम से अभी निकलने वाला है। उसी घड़ी पर भी यीशु ने बीमारों को चंगा किया और वो घड़ी अब है। सो अगर कोई ऐसा है जिसके कोई गांठे हैं तो आप अपने सिर पर हाथ रख लीजिए या अपने दिल पर हाथ रख लीजिए। अभी मैं प्रार्थना करता हूं अगर आपके कोई भी गांठ है, पांव से सिर तक कहीं भी गांठ है, आप अपनी गांठ पर हाथ रख लीजिए या अपने सिर पर हाथ रख लीजिए। इसी घड़ी जैसे बाइबल पवित्र वचन में लिखा है उसी घड़ी पर यीशु ने बीमारों को चंगा किया और इसी घड़ी पर यीशु आपको चंगा करने वाले हैं। इसी घड़ी मैं प्रार्थना करने वाला हूं, हे मेरे परमेश्वर जी, हमारे बीच में जितने भी लोग हैं जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, पांव से लेकर सिर तक हर प्रकार की गांठ, ट्यूमर, रसौली, तुझे आज्ञा देता हूं अभी इसी वक्त इन शरीरों को छोड़ो, निकल इसी वक्त निकल प्रभु यीशु के नाम से। और प्रभु यीशु जी अपना हाथ बढ़ा लीजिए और इनकी सारी गांठों को निकाल दीजिए, सारी रसौली से राम आ जाए, इनके इसी वक्त इसी घड़ी या चंगे हो जाए। हालेलुया। तो आप इसी वक्त देखिए आपकी गांठ नहीं है, इसी वक्त आप देखिए आपके गांठ नहीं है, आप अपनी गांठ देखिए आपके गांठ नहीं है, प्रभु यीशु ने गांठ को कैप कर दिया है, आपकी गांठें प्रभु यीशु ने निकाल दी हैं। और अभी हम लोग आपकी गवाहियों को सुनेंगे, जब आपको समय देंगे, आपकी गांठें प्रभु यीशु ने निकाल दी है। हालेलुया। हर वेले नाल रहंदा दिन हो या रात, हर वेले नाल रहंदा, हर वेले नाल रहंदा दिन हो या रात, 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 नाल रहंदा दिन हो या रात, तंदिया तमल्ला जो तो मिलती नजारे, तंदिया तमल्ला जो तो मिलती नजारे, समझते नहीं तू पान जो तो यीशु बोला। अब मैं प्रार्थना करने वाला हूं उनके लिए जिनके दर्द है, पांव से लेकर सिर तक कोई भी दर्द है, वाई की दर्द है, वाई बाती की दर्द है, जो कोई भी दर्द है, कोई भी दर्द, कमर दर्द है, घुटने दर्द है, सिर दर्द है, आंखें दर्द है, कान दर्द है, पैर दर्द है, कोई भी दर्द है, आप हाथ रख सकते हैं अपनी बीमारी पर, नहीं तो अपने दिल पर हाथ रखिए, नहीं तो अपने सिर पर हाथ रखिए। अगर आपके कहीं भी दर्द है, पांव से लेकर सिर तक कहीं भी दर्द है, आप उस दर्द पर हाथ रख लीजिए। अगर आप हाथ रखने की स्थिति में नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने दिल पर हाथ रखिए या अपने सिर पर हाथ रखिए, इसी वक्त आपकी दर्द जाने वाली है। प्रभु यीशु ने पीड़ाओं को उसी घड़ी चंगा किया और आपकी पीड़ा को इसी घड़ी चंगा करने वाले हैं। सारी दर्द पांव से लेकर सिर तक की, सारी दर्द पांव से लेकर सिर तक की, सारी दर्द तुझे आज्ञा देता हूं इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से निकाल। तेरा यहां कोई अधिकार नहीं है, यह शरीर यीशु का है। ए दर्द
चाहे प्राणी दत्त है, कितनी भी प्राणी है, आज तुझे आज्ञा देता हूं परमेश्वर के नाम से, इन शरीरों को छोड़ और निकल। सारी दर्द, सारी दर्द परमेश्वर के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं, इस शरीर को छोड़ निकल परमेश्वर के नाम से। पांव से सिर तक हर एक दर्द इस शरीर को छोड़ दे परमेश्वर के नाम से। अब मैं उनके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ जिनके अंदर कोई दुष्ट आत्मा है। अगर कोई दुष्ट आत्मा है, या कोई जादू की ताकत है, या आपको कुछ खिलाया पिलाया गया है, कोई जिन्न है, जो मसानी है, कोई भी भूत प्रेत जादू की ताकत आपके विरोध में है, या आपके परिवार के विरोध में है, उनके लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। अगर आपके परिवार में कोई दुष्ट आत्मा का अटैक है, कोई जादू द्वीज की ताकत आपके विरोध में है, आपके घर में है, कोई भी भूत प्रेत जिन्न कोई भी दुष्ट आत्मा, बड़ी से बड़ी भी, मैं अभी प्रार्थना करने वाला हूं और अभी वो आपके शरीर को छोड़ेगी, अभी वो आपके घर से निकलेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे नहीं, प्रभु यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं ऐसा दुष्ट आत्मा की ताकतों तुम्हें आज्ञा देता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, इन शरीरों को छोड़ निकल। सारी दुष्ट आत्माएं, हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत, हर एक शैतान की ताकत, हर एक जादू बीज की ताकत प्रभु यीशु के नाम से निकले। कुछ भी खिलाया पिलाया गया है उसका असर इसी घड़ी खत्म हो जाए। इनके बिजनेस पर अगर जादू बीज की ताकत है, इसी घड़ी वो दुष्ट आत्मा की ताकत खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आपने, प्रभु यीशु ने उसी घड़ी प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्मा को निकाला, और आज इसी घड़ी आपके दुष्ट आत्मा गंड कर रही है। ऐ दुष्ट आत्मा की ताकत, प्रभु यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं, इस शरीर को, इस घर को छोड़ निकल प्रभु यीशु के नाम से निकल जा। प्यारे पिता धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, इसी घड़ी शैतान की ताकतों को खत्म करने के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर जी। अगर कोई ऐसे हैं जिनको कानों से सुनाई नहीं देता, आप में से आज मैं प्रभु यीशु के नाम से चैलेंज देता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चैलेंज देता हूं। अगर आपके कान बिल्कुल बंद है और आपको कानों से सुनाई नहीं देता, इसी घड़ी आपके कान खुलेंगे, इसी घड़ी। अगर आपके कान बंद है और आपको कानों से सुनाई नहीं देता, या आपके कानों की कोई बीमारी है, या आपके कानों से रेशा निकलता है, या आपके कानों में कोई भी बीमारी है, इसी घड़ी पर भी यीशु आपको चंगा कर रहे हैं, इसी घड़ी। अगर आपके कानों की बीमारियां हैं, आपको सुनाई नहीं देता, तो अपने कानों पर हाथ रख लीजिए, अपने कान पर हाथ रखिए, इसी घड़ी आप सुनने लगेंगे। मैं फिर आपको चैलेंज दे रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अगर आपके कान बंद हैं और आपको सुनाई नहीं देता आज से पहले, तो अभी और इसी वक्त आपको कानों से सुनाई देना शुरू हो जाएगा। ऐ कानों की बीमारी, बहरेपन की बीमारी तुझे
छोड़ निकल। ये परमेश्वर के लोग हैं। कानों की सारी बीमारी निकले, कानों से रेशा बहना बंद हो जाए, कानों की हर एक बीमारी दूर हो जाए और यह सुनने लग जाए परमेश्वर मसीह के नाम से, परमेश्वर के नाम से। ऐ कानों की सारी बीमारी, परमेश्वर के नाम से सारी कानों की बीमारी, इस शरीर को छोड़, इस शरीर को छोड़ो, निकल जा परमेश्वर मसीह के नाम से। इसी वक्त चंगे हो जाओ, इसी वक्त चंगे हो जाए और इसी वक्त हम आपकी गवाही को सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया है। पाँ फड़ लई यीशु ने मेरी पाँ फड़ लई, पाँ फड़ लई यीशु ने मेरी पाँ फड़ लई, पाँ फड़ लई यीशु ने मेरी पाँ फड़ लई, पाँ फड़ लई। अगर गुर्दों में पथरी है, पित्ते में पथरी है, अभी मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, अगर आपके पथरी है आप हाथ रख सकते हैं। अभी प्रभु यीशु ने उसी घड़ी चंगा किया था, इसी घड़ी आपकी पथरी से आपको प्रभु यीशु चंगा करने वाले हैं। अगर आपके पथरी है या आपके किसी परिवार के जन में पथरी है, अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूं और प्रार्थना करते करते वो पथरी आपके निकलेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मेरी सामर्थ्य नहीं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ऐसा पथरी प्रभु यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं, इस शरीर को छोड़। ऐ सारी पथरी की बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से तुम्हें आज्ञा देते हैं, इन शरीरों को इसी वक्त छोड़ो और निकल जाओ। अगर आपके कोई भी बीमारी है, पांव से लेकर सिर तक अगर कोई भी बीमारी है जिसका मैंने नाम नहीं लिया, वो बीमारी अभी इसी घड़ी जाने वाली है। पांव से लेकर सिर तक की कोई भी बीमारी है वो इसी घड़ी जाने वाली, इसी घड़ी। ऐ सारी बीमारी तुझे आज्ञा देता हूं, इसी घड़ी इस शरीर को छोड़ दे। ऐ बीमारी तुझे आज्ञा देता हूं, इसी घड़ी इस शरीर को छोड़। ऐसा लगता है जैसे आपके बेटे में कोई बीमारी है, तो अगर वो आपके पास में है आप अपने बेटे पे सिर पे हाथ रख लीजिए, क्योंकि आपके बेटे की बीमारी भी इसी घड़ी जाने वाली है। ऐसी सारी बीमारी तुझे आज्ञा देता हूं प्रभु यीशु के नाम से, इसी घड़ी इस शरीर को छोड़। सारी बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से, शरीर को छोड़। सारी बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से निकले, इसी वक्त हर एक बीमारी निकल जाए, यीशु के नाम से चंगाई आ जाए। और अब मैं उनके लिए प्रार्थना करने वाला हूं जो पवित्र आत्मा की सामर्थ पाना चाहते हैं, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना चाहते हैं, जो अन्य भाषा बोलना चाहते हैं, जो अन्य भाषा बोलना चाहते हैं। तू आप पवित्र आत्मा। जो भी सामर्थ पाना चाहते हैं, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ पाना चाहते हैं, जो अन्य भाषा पाना चाहते हैं। आप पवित्र आत्मा। अगर आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, अगर आप स्वर्गीय भाषा पाना चाहते हैं, अन्य भाषा पाना चाहते हैं। बहुत से लोग उल्टी उल्टी बातें करते रहते हैं। अगर आप अन्य अन्य भाषा पाना चाहते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूं अभी आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, अन्य अन्य भाषा के वरदान मिलेंगे।
प्रभु जी सब लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं, ये पवित्र आत्मा से भर जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह ये लोग पवित्र आत्मा से भरे, ये अन्य भाषा बोलने लग जाएं। रबा सिखा लबा रबा दबा रना मती निवित गिरी निविशित बाला बाला लबा निबेरी निविशित बारे नमा। अगर आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, स्वर्गीय भाषा को पाना चाहते हैं, तो अन्य भाषा में प्रार्थना करें। ऋषि बीरी निविशित बाला बाला लबा दान दे रहे हैं। अन्य भाषा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अभिषेक, आप बोलना शुरू कीजिए। हो सकता है एक शब्द आपके मुंह से निकले, लेकिन अभी उससे बढ़कर निकलने शुरू हो जाएंगे। आप अन्य भाषा में बोलिए, अभी प्रभु आपको अन्य भाषा का वरदान दे रहा है। अन्य भाषा में सब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हे परमेश्वर जी, स्वर्गीय भाषा कौन ढेलिए, स्वर्ग से अपनी आत्मा कौन ढेलिए, ताजो जी अन्य भाषा बोलने लग जाएं, ये पवित्र आत्मा में भर जाएं और अन्य अन्य भाषा बोलने लग जाएं, ये पवित्र आत्मा में भर जाएं और अन्य अन्य भाषा बोलने लग जाएं। पूरी बाराबा सखल बाराबा हे देवेरी रे बिशि देवेरी रे बिशि दबार नमः। आपने लोगों को चंगाई दे दी है, पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ्य है। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हुए आमीन आमीन आमीन। जो लोग इसी घड़ी चंगा हुए हैं वो आगे आ जाएं और गवाही दें कि आपको प्रभु ने इसी घड़ी चंगा किया है। कोई बात नहीं, ज्यादा जने हैं तो आप आगे आ जाइएगा, कोई बात नहीं। जितने भी सब आगे आ जाइए, जिनको प्रभु ने अभी चंगा किया है वो आगे आ जाएं और अपनी गवाही बताएं कि कैसे प्रभु यीशु ने अभी अभी आपको चंगा किया है। बताओ ना आप क्या क्यों ऐसी गल। हां जी, गंडा सी मेरे दो दिन दे हुण आराम। अच्छा, कितने सी गंडा जी? छाती में सी। अच्छा, दो गंडा सी गया। हां जी, हुण तो आराम। सो ये बहन हमारे बीच में आई है और इसके छाती पे दो गांठे थी। हां जी। और वो गांठे हाथ में आती थी। हां जी, वो गांठे हाथ में आती थी ना? कितनी को बड़ी थी? बड़ी सिंह तो नहीं। हाथ बताकर बताओ कितनी बड़ी गंडा सिंह। सो देखिएगा, शर्माओ मत, बताओ ना, हाथ बताओ कितनी बड़ी। सो आप ध्यान से देखिए, इतनी इतनी बड़ी गांठें थी, छाती पे दो गांठें थी, हाथ में आ रही थी और अभी जब प्रार्थना हुई है अभी ठीक हुए। हाँ जी, अभी हुने अभी अभी प्रभु यीशु ने उन गांठों को दूर कर दिया, प्रभु यीशु ने चंगा किया है। किसने चंगा किया आपको? अपना प्रभु जी ने। प्रभु? हाँ जी, यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। हालेलुया हालेलुया। पास्टर जी ने प्रार्थना की और परमेश्वर जी ने मेरे को चंगा करने के लिए धन्यवाद कर। सो इस भाई के कमर में दर्द था और अभी जब प्रार्थना हुई है प्रभु यीशु ने इसकी कमर को चंगा किया है। थोड़ा नीचे झुक कर दिखाइए, ऐसे होकर दर्द होता है? नहीं, आप नहीं होता, प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, इसलिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं।
अभी मेरे ना कल एकदम से मैं पर्स धो रही थी, बहुत ज्यादा मेरे कमरे में दर्द था, मैं रोने लगी थी, मेरे ऐसे नीचे नहीं झुका जरा, इतना दर्द था रात को। अभी आराधना में मेरे को एकदम ऐसे लगता है मेरे कमर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। और अभी अभी ना मेरे को प्रभु ने इतने सफेद कपड़ों में इधर से आ रही है, इतनी ऐसी रोशनी रोशनी हो रही है, और प्रभु ने मुझे दर्शन दिए, मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। मेरी आंखों से बहुत धुंधला दिखता था, अब मैं बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, और मेरे मसूड़ों में भी सूजन थी, अब सूजन भी नहीं है, और मेरे कमर में भी दर्द था और सर्वाइकल की भी दिक्कत थी, अब मेरे में कोई दिक्कत नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। सो क्या था आंखों से? हाँ जी, बहुत कम दिखता था, धुंधलापन था। हाँ जी, हाँ जी, धुंधला दिखाई देता था। हाँ जी, बहुत ज्यादा रेशा सा आया था, आंखों के आगे। अब आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल साफ दिख रहा है, वो सामने सारे साफ दिख रहे अक्षर। हाँ जी, हाँ जी, वो सामने वाले अक्षर साफ दिख रहे। हाँ जी, हाँ जी, इतनी दूर से। हाँ जी, ओके। सो आंखों में धुंधला दिखाई देता था, और अब इतनी दूर वाले जो अक्षर है वो भी साफ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। मेरे को सर्वाइकल का बहुत ज्यादा पेन था, और जब वर्शिप हो रही थी मेरे सर्वाइकल का दर्द भी चला गया। आज मुझे पहली बार पवित्र आत्मा मिला और अन्य भाषा का वरदान मिला, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सो सर्वाइकल का दर्द था, सर्वाइकल का दर्द भी ठीक हो गया, और प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया, अन्य भाषा का वरदान भी दिया, इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा मिली, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। So, इस बेटी को पवित्र आत्मा मिला है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ये आंटी जी कह रहे हैं मेरे 3-4 दिन से छाती में बहुत ज्यादा दर्द था, और अभी आराधना हुई, प्रार्थना हुई ना, इसी वक्त ही इनका छाती का दर्द सारा चला गया, तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। मुझे ना आंखों से धुंधला दिखाई देता था, और एलर्जी थी मेरी आंखों में, खारिश होती थी, सुबह उठते भी दोपहर में भी मेरी आंखों में खारिश चलने लग जाती थी, और धुंधला भी दिखाई देता था। जैसे अब पास्टर जी ने प्रार्थना की, मुझे बिल्कुल साफ दिखता है, और आंखों में खारिश भी नहीं होती, और मेरी कमर में भी दर्द रहता था 10 साल से, लेकिन अब कमर में भी बिल्कुल नॉर्मल है। मैं प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस बहन के कमर में दर्द था 10 साल से, परमेश्वर मसीह ने चंगा किया है। आंखों में एलर्जी थी, अब वो एलर्जी नहीं है, उन्हें चंगाई लग रही है, लेकिन खास बात यह है कि आंखों में धुंधला दिखाई देता था। हाँ जी। तो अब कैसे आपको पता चल रहा है? अब बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता, मेरे को नजदीक से दिखाई नहीं देता था। नजदीक से दिखाई नहीं देता। हाँ। था, तो अब नजदीक से दिखाई देता है। हाँ, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। कितनी की दूर से? नहीं, नजदीक वाला कैसे? नहीं, इतनी दूर से भी दिखाई नहीं देता था, धुंधला दिखाई देता। सो इतनी दूर से भी धुंधला दिखाई देता था, लेकिन अब बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा है। नाड़ियां तो नजर आ रही हैं आपको, रेखाएं? हाँ, मेरे को नाड़ियां नजर आ रही हैं। नहीं, देख वाले भी हैं। परमेश्वर मसीह ने चंगा किया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। जिनके काम आज ना सुबह मैं काम करते समय गिर गई थी, आज मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो जब पास्टर जी ने प्रार्थना की तो मेरे आराम है, और बिल्कुल भी नहीं दर्द हो रहा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और मैंने परमेश्वर से पवित्र आत्मा और अन्य भाषा का वरदान मांगा था, और मेरे को इतनी पवित्र आत्मा दी, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आज मुझे पहली बार पवित्र आत्मा और अन्य भाषा का वरदान मिला, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। सो छोटी सी बच्ची है, और इस छोटी सी बच्ची को पहली बार पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, अन्य भाषा का भी, अन्य भाषा का भी वरदान मिला है पहली बार, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। हालेलुया। मेरी जो लात में दर्द था 2-3 दिन से, आज सही हूँ प्रभु की कृपा से, हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं, इनके टांग में दर्द था, प्रभु यीशु ने चंगा किया, हालेलुया। मेरी आंखें से बिल्कुल ही कौन दिखो, तो बड़े बैठी ना, मैंने पास्टर जी के मुंह भी कौन दिख रहे हो, अब मैंने सपा दिख रहा सारो वो बड़ा तक। मैं पास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इस मुसी का धन्यवाद करती हूँ, मेरी नजर से दिख लगे, और कमर में दर्द भी बहुत कम हो गया। मैं तो इस माऊ को देखिएगा, और ये पीछे बैठे हुए थे। हाँ। और वहां से मैं भी इन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ। लेकिन अब जब प्रार्थना हुई है, और अब
इनकी आंखों से इन्हें साफ दिखाई देने लग गया है। अब आपको पीछे दिखाई दे रहा है, सपाट दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा से भरा और अन्य भाषा दी, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्रभु ने पवित्र आत्मा से भरा, अन्य भाषा दी, अन्य अन्य भाषा दी, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु सारंग जय मसीह। मेरे हाथ से इतनी मोटी गांठ होगी, दो दिन हो गए इतनी मोटी, जब प्रार्थना होने लगी ना आराधना होने लगी, जब मेरी गांठ अब ही नहीं खत्म होगी। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हाँ, क्या हुआ था? गांठ होगी इतनी मोटी। कहाँ पर गांठ थी? अरे प्रार्थना होने लगी ना, जब गांठ है ही कौन। सो ध्यान से देखो इस बेटी को, देखो इसके यहाँ गांठ थी, कितनी बड़ी गांठ थी, इतनी मोटी गांठ थी। सबको दिखाओ थोड़ा सा, कितनी मोटी गांठ थी, इतनी मोटी गांठ थी, इतनी मोटी गांठ थी। तो अभी जब प्रार्थना हुई तो अब प्रार्थना हुई जो ही नहीं, अब खत्म हो। अब जब प्रार्थना की वहां गांठ है ही नहीं है, ही नहीं। प्रभु ने चंगा किया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे नजरे नाल ना सिर नाड़ मेरी बहुत ज़्यादा दुखती सी। मैं तो ता भी नहीं झक आता, मैंने बिल्कुल दिखता नहीं सीगा, मैं अखा भर के ता नहीं झक सकती सी। मेरे ना सिर से दर्द सी, मेरी नज़रें ना, मेरी निगाह बिल्कुल कमजोर हो गई सी। हुण नाल तां मैनू प्रभु ने सामर नाल मैनू इन्ना भरिया कि प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नाले मेरे दर्द भी बिल्कुल गैब है, तो मेरे गोडे तो कई दिन हो गए। मेरा इन्ना सोच गया सी कि मैं तो बैठन उठती बहुत दिक्कत ज़्यादा होंगी सी, और प्रभु से प्रार्थना की है पास्टर जी ने, जो हम आराधना हो रही सी, मेरे बिल्कुल अंग अंग चो मेरे दर्द गया चलिया, और मैंने वधिया दिखन लग गया, मेरे दर्द भी नहीं है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कर दी हैं। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। हमें करीबन 1.5 साल हो गए हैं चर्च में आते आते, पर आज मुझे पहली बार पवित्र भाषा, पवित्र आत्मा और अन्य भाषा मिली है, इसलिए। सो आज पहली बार पवित्र आत्मा और अन्य भाषा मिला है। 1.5 साल हो गया प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए, आज पहली बार प्रभु ने पवित्र आत्मा और अन्य भाषा का वरदान दिया है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। दे रहे हैं कि इनके गुर्दे में गांठ थी और अभी जब प्रार्थना हो रही थी तो इनकी गांठ बिल्कुल ठीक होगी, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मेरी ये गवाही है कि मुझे आज बहुत ज्यादा पवित्र आत्मा मिला, इसलिए मैं आप धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। 15-16 साल में गिरी तो मेरा कान बंद हो गया जमा, तो अब आज इन्हें आज बिल्कुल साफ सुनाई देता है। प्रभु ने मन चंगाई दिनी है। अरे गए और सिर मेरा इतना दुखता 20 साल, देख लो प्रभु ने बहुत चंगाई दिनी है। हर प्रभु की रोज प्रार्थना, जल्दी उठ के हर प्रार्थना करूँ मैं। हर प्रभु ने बहुत खुद प्रभु दमन दर्शन दिया है, प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे दो गंढा सिंह है इतने, तो हूँ जो प्रार्थना हुई तो प्रभु ने कढ़ दी, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हाँ। तो सिर के बहुत दर्द सी, अखा भी बहुत सोजन सी, तो जो आराधना के प्रार्थना हुई परमेश्वर ने ठीक करता, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हाँ। हालेलुया। सो इस बहन के दो गंठे थे और परमेश्वर सिंह ने अभी इन गंठों से चंगाई दी है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, ये भी अगवाई दे रहे हैं कि इनको आज परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भरा, जब प्रार्थना हो रही थी तो ये पवित्र आत्मा से भर गए, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इनको कानों से थोड़ा कम सुनाई देता था और कानों में खारिश होती थी, वो भी इनकी ठीक होगी, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अरे कि इनकी छाती पे गांठ थी, अभी पास्टर जी ने प्रार्थना की तो वो गांठ इनकी निकल गई, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सो आपकी छाती में गांठ थी, कहाँ गांठ थी? सो भाई के यहाँ पर गांठ थी और जब प्रार्थना हुई तो परमेश्वर ने चंगा किया, अब गांठ नहीं है, अभी नहीं है। सो परमेश्वर मसीह ने उस गांठ को निकाला है, परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, मैं इस बहन की गवाही देने जा रही हूँ कि इसे पवित्र आत्मा से भरा प्रभु ने और पहली बार अन्य भाषा दी, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया, ये आंटी जी इनकी गवाही दे रहे हैं कि इनको 9 सालों से दोहरे आते थे और आज परमेश्वर ने इनको चंगाई दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया।
क्या दिखा रहे थे? हाँ, तो ये हाथ देखो इसके, जब दौरे आते थे इसको तो ये हाल होता था इसका, कभी कहीं गिर जाती, कभी कहीं गिर जाती, जख्म हो जाते, बुरा हाल हो जाता था। कैसे, कभी जल गए, कभी कुछ हो गया। कितने साल से आते थे दौरे? 9 साल से।